Good morning to all my dear students of class 4th. Today I am here to teach you, आज हम इस वीडियो में रिवीजन वीडियो देखेंगे मोरल वैल्यू का. रिवीजन वीडियो इसलिए देखेंगे क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेस्ट 4 स्टार्ट होने वाले हैं 1 or 2 days में. पीरियोडिक टेस्ट 4 में जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 9 निक एंड हिज फादर पेज नंबर 37 ये चैप्टर ओनली आने वाला है पीरियोडिक 4 में निक एंड हिज फादर. तो हम ओपन करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37. ओके लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. रिवीजन में मैं आपको बता दूं चैप्टर में 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपको ऑनलाइन टेस्ट में. एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑप्शंस आपको दिए गए रहेंगे. करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करके फिल करना है. अब आप सोच रहे होंगे टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर से आने वाला है 20 एमसीक्यू इट मींस कैसे आएगा मैम. तो 5 मार्क के एमसीक्यू आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं ऑलरेडी. रिमेनिंग 15 मार्क्स के एमसीक्यू आपको बना के दिए गए हैं. बी फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ये भी एक तरह से एमसीक्यू ही बना के दिया गया है आपको. तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं. फर्स्ट है निक एंड निक्स फादर वॉज डैश. निक के फादर क्या थे बेकर बिजनेसमैन ऑफिसर लॉयर. द करेक्ट आंसर इज बिजनेसमैन. तो आपको अगर करेक्ट आंसर पता है तो टिक करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. निक वॉन्टेड टू गो डैश विथ हिज फादर एंड हैव फन आउटडोर्स मूवी विलेज ऑफिस. द आंसर इज आउटडोर्स. ओके तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑनलाइन टेस्ट में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए होंगे उसमें से आपको एक ऑप्शन जो सही है वो टिक करना है. ओके थर्ड वन निक वॉज सरप्राइज टू सी हिज डैश एट होम. निक किसको देख के सरप्राइज हो जाता है घर पर मॉम फ्रेंड्स फादर नन ऑफ देम. द आंसर इज फादर. वो अपने पिताजी को घर पर देख कर शॉक्ड हो जाता है सरप्राइज हो जाता है. ओके इसी तरह से हम बी वाला देख लेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अब देखिए ये आपको एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ऐसे आ सकता है. निक वॉज द ओनली सन टू हिज डैश पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फादर. कोई भी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपको कोई भी दिया जा सकता है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपको टिक करना है. ओके इसी तरह से मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स और बता देती हूँ फिल इन दी ब्लैंक्स के. सेकेंड सून द डैश बिटवीन निक एंड हिज फादर बिगेन टू स्टार्ट फाइट कन्वर्सेशन. तो जल्द ही निक के फादर और निक ने क्या शुरू किया कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करनी शुरू की. तो आंसर है कन्वर्सेशन फाइट. और एक ऑप्शन दिया गया रहेगा आपको तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है. इसी तरह से एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं. ओके एमसीक्यू अब हम देखेंगे सी राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट पेज पर जाएंगे. अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रू और फॉल्स कैसे एमसीक्यू में आ सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल एक या दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम में दे सकती हूँ ट्रू फॉल्स के एमसीक्यू में. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेम्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ निक दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट आपको दिया गया रहेगा टेस्ट में मिस्टर जेम्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ निक. क्या मिस्टर जेम्स अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं. तो अगर आपको आंसर पता है तो करेक्ट आंसर को टिक करना है. दो ही ऑप्शन दिए गए रहेंगे आइदर ट्रू आइदर फॉल्स एमसीक्यू में. ट्रू फॉल्स के लिए तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जाना है. इसी तरह से आपको एमसीक्यू में 4 से 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आ सकते हैं आइदर 2 or 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है तो फिर अभी हम डी देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब क्वेश्चन आंसर से कैसे मैंने एमसीक्यू आपको बना के दिया है ये मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन कर रही हूँ. डिस्क्राइब अबाउट मिस्टर जेम्स. अब पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट मिस्टर जेम्स यानी कि मिस्टर जेम्स के बारे में बताना है. तो इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जेम्स वॉज बिजनेस मैन एंड ही कूड हार्डली स्पेंड टाइम विथ निक. तो जैसा कि आपने अपनी मोरल साइंस की मोरल वैल्यू की नोटबुक में क्वेश्चन आंसर चैप्टर का राइट किया है उसमें जाके आप देखेंगे
इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम में ऐसे बना के दे सकती हूँ, डैश वॉज अ बिजनेस मैन, ही कूड हार्डली स्पेंड टाइम विथ निक। तो जो डैश मैंने कहा है स्टार्टिंग में, उस डैश में क्या आएगा, मिस्टर जेम्स भी आ सकता है, मिस्टर निक भी, निक की मदर भी आ सकता है। ऑप्शंस में कोई भी आंसर दिया गया रहेगा, बट करेक्ट आंसर क्या होगा, जेम्स। ओके, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाई वाज निक सरप्राइज्ड, क्वेश्चन है व्हाई वाज निक सरप्राइज्ड। तो इसका आंसर है, निक वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही सॉ हिज फादर एट होम इन द इवनिंग। तो निक क्यों सरप्राइज्ड हो गया था, बिकॉज ही सॉ हिज फादर एट होम इन द इवनिंग। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे दे सकती हूँ आपको एग्जाम में, निक वॉज डैश बिकॉज ही सॉ हिज फादर एट होम इन द इवनिंग। तो डैश की जगह पर क्या आएगा, सरप्राइज्ड। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आंसर से आपको एमसीक्यू बना के एग्जाम में दिए गए हैं। ओके, आज के रिवीजन वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे चिल्ड्रेन।